आज हम बनाने जा रहे हैं दाल भाजी। उसके लिए देखिए हमने कितनी फ्रेश पालक ले लिए हैं, इसको मैंने तोड़ ली हूँ, ये देखिए ऐसे आप भी तोड़ लीजिए। ऐसी कौली पत्ती हमें खरीद के लाना है। अब इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे, ऐसे हम इसे बारीक काटेंगे, एक थाली में हम ऐसे बारीक काट लेंगे। पहले पालक को अच्छी तरह हम वॉश कर लिए थे जब हम इसे काट रहे हैं। देखिए ऐसे बारीक बारीक हम इसे सभी पालक को ऐसे काट लेंगे। देखिए ऐसे मैं काट के दिखा रही हूँ आपको, ऐसे काटना है। आप पावसे की मदद से काट सकते हैं। कभी भी हमें फ्रेश पालक लाना है बाजार से। देखिए ऐसे अब सभी पालक को हम ऐसे काट लेंगे। देखिए ऐसे हम सभी पालक को काट लेंगे। अब मैं पालक को पूरी काट ली हूँ। अब हम चलेंगे किचन में। देखिए अब हम ले लेंगे तुअर की दाल एक कटोरी। अब इसको हम अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। हम बिना चने दाल के बना रहे हैं दाल भाजी। अच्छी तरह से वॉश कर लें। इसको हम 2 से 3 पानी धोएंगे जब हमारी दाल अच्छी तरह वॉश होंगी। देखिए 3 पानी मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर ली हूँ। अब इसका हम पानी निकाल लेंगे। देखिए दाल को हमने अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं। अब इसको हम कुकर में ऐड कर देंगे। हमने 1 कटोरी दाल लिए हैं 4 जन के हिसाब से। देखिए अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे कुकर में। चने की दाल ना हो तो तुअर की दाल से बनाए दाल भाजी। देखिए 5 मिनट में बन जाएंगी हमारी दाल भाजी। अब हम दाल को ऐसे ऊपर कर लेंगे क्योंकि दाल अगर हमारी नीचे होंगी तो जल जाएंगे। देखिए ऐसे हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 लोटा पानी। देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 लोटा पानी। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने 1/2 चम्मच नमक ऐड की हूँ। और इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे 1/2 चम्मच। अब हम कुकर का ढक्कन लगा लेंगे। 4 सीटी तक हम गैस पे रख देंगे इसे। देखिए मैंने गैस को ऑन कर लिया। हाई फ्लेम पे हमें पकाना है। दाल पकने तक हम इसके तड़के लगाने की तैयारी कर लेते हैं। जब तक हमारी दाल भाजी हो रही जब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। देखिए मैंने हरी मिर्च ली हूँ करीबन 8 से 9, 2 टमाटर एक बड़ा और एक छोटा, 2 लहसुन की कली, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 लहसुन का टुकड़ा और हरी धनिया पत्ती। देखिए कितनी फ्रेश हमारी पत्ती है। अब इन सभी को हम काट लेंगे बारीक बारीक। देखिए ऐसे हम मिर्ची के डंठल को ऐसे तोड़ लेंगे सभी को। ये भाग हमें निकाल के फेंकना है इसका। अब इसको हम काट लेंगे। देखिए मिर्ची को हम ऐसे 2 भाग करेंगे बीच से, फिर इसको हम ऐसे बारीक बारीक काटेंगे। सभी मिर्चियों को हम ऐसे ही काट लेंगे। ऐसे काटने से जो हमारी मिर्ची तीखी भी नहीं होंगी फिर भी उसमें तीखेपन का स्वाद आता है। ऐसे 2 भाग करने से ऐसे 2 भाग कर लेंगे। देखिए सभी मिर्चियों को मैं ऐसे ही काट लूँगी। देखिए मैं आखिरी मिर्ची को भी ऐसे ही काट लूँगी। ऐसे हमें बारीक बारीक इसको काटना है। अब हम प्याज को भी ऐसे ही काट लेंगे। देखिए पहले हम इसका छिलका ऐसे निकाल लेंगे। मैंने प्याज को वॉश कर ली थी पहले। ऐसे हम इसका छिलका निकाल लेंगे।
देखिए ऐसे हमें फ्रेश करना है इसे, फिर ऐसे हम इसे काटेंगे, बारीक बारीक काटना है हमें। इसका दो हिस्सा करेंगे, हमें बड़ा साइज नहीं काटना है प्याज को, ऐसे बारीक बारीक काटना है कि हमारे प्याज दाल भाजी में दिखे ना और स्वाद भी आए इसका। देखिए दूसरे प्याज को मैं ऐसे ही काट लूँगी। अब हमने प्याज को काट लिए हैं, अब हम लहसुन छीलेंगे। लहसुन की कली को हमने छील लिए हैं, अब इसे हम ऐसे बारीक बारीक काट लेंगे। सभी लहसुन की कली को हम बारीक बारीक काट लेंगे। अब मैंने सभी लहसुन को काट ली हूँ, ये हमारा लास्ट लहसुन की कली है। अब हम अदरक को काटेंगे, इसको मैंने अच्छी तरह छील ली हूँ, अब इसे हम बारीक बारीक कट करेंगे। तो हमें बारीक बारीक टुकड़ा करना है। अब कुकर सीटी मार रहे हैं, अब हमारी दाल पक चुकी है। इसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। अब हम टमाटर को भी बारीक बारीक काट लेंगे। पहले हमें हिस्सा इसका ऐसे ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे गोल दोनों टमाटर के हिस्से हम ऐसे ही निकाल लेंगे। अब इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे कटोरी में। देखिए हमारा कितना फ्रेश टमाटर है, इसे हम ऐसे बारीक बारीक काट लेंगे। अभी ठंडी के मौसम में फ्रेश सब्जियां रहती हैं और ताज़ी रहती हैं, दोनों टमाटर को हम ऐसे ही काट लेंगे। ये लास्ट टमाटर है, अब हम धनिया काट लेंगे। धनिया को भी हमें बारीक बारीक काटना है। देखिए धनिया मेरी ताज़ी है, इसीलिए इसमें चुर चुर की आवाज़ आ रही है काटने पे। कुछ हिस्सा बच गया काटने के लिए। धनिया की स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है हमें, सुगंध। ये देखिए मैंने हरा मटर ले ली हूँ, जो कि ठंडे के मौसम में आसानी से हमें मिल जाता है। हम कुछ नए तरीके से बना रहे हैं दाल भाजी। अब हम चलेंगे किचन में इसे तड़का लगाने। अब हमने गैस के फ्लेम को ऑफ कर लिए हैं, अब इसको हम सीटी निकाल लेंगे। देखिए अब हम कुकर के गैस निकाल लिए इसमें का, अब इसका हम ढक्कन खोल लेंगे। देखिए हमारी दाल पक चुकी है। अब इसे हम तड़का लगाएंगे, ऐसे हम दाल घोटने की मदद से इसे हम ऐसे ही घोट लेंगे। देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब उसमें हम ऐड करेंगे तेल। दो कुप्पी हम तेल ऐड करेंगे। अब हम तेल को गर्म होने देंगे, तेल गर्म होगा जब ही हम तड़का लगाएंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब उसमें हम ऐड करेंगे खड़ी लाल मिर्च सूखी वाली। हल्का तेल गर्म है हमारा, देखिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। अब इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन की बारीक कटी हुई कली। अब इसमें हम चला लेंगे
अब इसको हम ब्राउन होने तक छोड़ देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च, अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक का कटा हुआ बारीक टुकड़ा, अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा ब्राउन होने तक छोड़ देंगे। इसको हम बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे। अभी हमारी प्याज ब्राउन नहीं हुई है, इसे ब्राउन होने तक हम पकने देंगे। अब हमारी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, अब उसमें हम ऐड करेंगे हरा मटर, उसे हम सॉफ्ट होने देंगे 5 मिनट तक। अब बटाने हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, अब उसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी टमाटर, इसे भी हम सॉफ्ट होने देंगे, बिजली पे ऐसे चलाते रहेंगे। हमने दाल में हल्दी कम ऐड किए थे, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी। अब इसमें हम ऐड करेंगे कटी हुई हरी धनिया, फूल धनिया हमें ऐड नहीं करना है, अब हमें ऐड करना है इसमें ऐसे चलाना है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक बॉल में निकाल लिए हैं दाल भाजी, अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। ऐसे हम सभी तड़के कैसे बना रहे हैं, अब इसे हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी दाल भाजी कितनी स्वादिष्ट बनी है और टेस्टी। अब इसमें हम ऐड करेंगे कटी हुई हरी धनिया। देखिए हमारी दाल भाजी, आप भी ऐसे ट्राई कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।